गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार, जनता दरबार में सुनी फरियादियों की फरियाद। दो दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आज और कल दिल्ली में रहेंगे देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ट्वीट, गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है, कई बिजली उपकरण तकनीकी कारणों से हफ्तों से बंद हैं। प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने रामनगरी अयोध्या के सर्किट हाउस में विधायकों और बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक की। प्रदेश में अदा की गई रमजान की अलविदा नमाज, कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज अदा की गई, कई स्थानों पर पढ़ी गई रमजान की अलविदा की नमाज। आगरा में राजा मंडी चामुंडा देवी मंदिर मामला, वीएचपी बजरंग दल और डीआरएम कार्यालय पर प्रदर्शन, डीआरपी कार्यालय में किया गया हनुमान चालीसा का पाठ, रेलवे ने मंदिर को हटाने के लिए दिया था नोटिस। लाउड स्पीकर को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, यूपी में अब तक उतारे गए 21,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर। बदायूं में सपा एमएलए ने बिजली कर्मी को पीटा, सपा एमएलए आशुतोष मौर्या ने कर्मचारी को मार पिटाई की और बिजली घर में भी तोड़फोड़ की। आगरा में शादी में हर्ष फायरिंग के दौरान बुजुर्ग को लगी गोली, हर्ष फायरिंग के बाद मारपीट में दो लोग गंभीर रूप से घायल। गोरखपुर में पुलिस कार्रवाई में गोली लगने से चार बदमाश हुए घायल, जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में पानी की किल्लत, स्प्रिंग मिडोज सोसाइटी में बिना पानी के लोग परेशान। बिजली में एक ही परिवार के तीन लोगों के मिले शव, बरेली में बेड पर मिला दंपति और ढाई माह की बच्ची का शव, मौके पर पुलिस छानबीन में जुटी। कुशीनगर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, एक ही बदमाश को लगी गोली, एक बदमाश हुआ फरार। गोरखपुर में कैंट पुलिस और स्वाट टीम को मिली बड़ी सफलता, कैंट पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। नर्सिंग होम में बच्चे के जन्म के कुछ घंटे बाद महिला की मौत हो गई और जिसके बाद महिला के परिजनों ने नर्सिंग होम में जमकर हंगामा किया। अलीगढ़ में दो महीने से पीने के पानी की किल्लत, महिलाओं ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। आगरा में दर्दनाक सड़क हादसा, डंपर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, हादसे में दोनों युवकों की मौत। हापुड़ में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, दो लोगों में जमकर लाठी डंडे चले, लाठी डंडे चलने वाले युवक को नहीं है पुलिस प्रशासन का कोई खौफ। आगरा में चलते ऑटो की छत पर युवक का नहाते हुए वीडियो वायरल हुआ, भीषण गर्मी के बीच फेमस होने के लिए युवक ने किया ये स्टंट। बुलंद शहर में एक नाबालिग किशोर से तीन नाबालिगों ने सामूहिक कुकर्म की शर्मनाक वारदात को अंजाम दिया। जालौन में पान मसाला फैक्ट्री पर छापेमारी, खाद्य विभाग ने तंबाकू मिश्रित गुटखे की खेप पकड़ी, उच्च अधिकारी मामले की जांच में जुटे। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। जालौन में कई दुकानों में लगी भीषण आग, अज्ञात कारणों के चलते दुकानों में यह आग लगी। आज दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शाम 5 बजे दिल्ली के लिए रवाना होंगे, सभी मुख्यमंत्री न्यायाधीशों की ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने सीएम धामी से की मुलाकात, देहरादून के मुख्यमंत्री आवास में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह गुजराल ने पार्टी पर हमला बोला और कहा कांग्रेस में ही खुद गुटबाजी है। देहरादून में सीएम धामी के आदेश पर चल रहा सत्यापन अभियान, अब तक 55,000 लोगों का किया जा चुका है सत्यापन। बद्रीनाथ हाईवे पर पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिरा, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बलडोदा के पास बंद।
सूरी के जंगलों में देर रात लगी भीषण आग, आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर हुई राख। मसूरी देहरादून मार्ग पर अवैध अतिक्रमण पर प्रशासन सख्त, डीएम के निर्देश के बाद चिन्हित किए गए अतिक्रमण पर कार्रवाई।